कोवैक्सीन की देश में कमी है, आम जनता परेशान हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोवैक्सीन का पहला डोज तो लग चुका है, लेकिन समय रहते दूसरी डोज नहीं लगी है। हालांकि मौजूदा वक्त में टीकों की कमी के चलते दूसरी डोज लेने को लेकर लोगों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में जिन लोगों को तय समय से दूसरी डोज नहीं मिली, तो क्या उन्हें दोबारा दोनों डोज लगवानी पड़ेंगी या नहीं? ऐसे कई सवाल होंगे जिनका जवाब आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है। अगर आप कोविड के प्रकोप से पूरी तरह बचना चाहते हैं, तो सभी को वैक्सीन के डबल डोज की जरूरत होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहला डोज भी काफी प्रभावी होता है, लेकिन दूसरी डोज से इम्यून सिस्टम को और अधिक मजबूती मिलती है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविशील्ड की तुलना में कोवैक्सीन पहली खुराक के साथ एक मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं देती, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूसरी खुराक की आवश्यकता होती है। कोवैक्सीन 6 सप्ताह के बाद लगाई जा सकती है। हालांकि कोविशील्ड का पहला डोज भी काफी इफेक्टिव है और वायरस से बचाव में हमें लंबे समय तक इम्यूनिटी देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर संभव हो सके तो निर्धारित तारीख को ही टीकाकरण कराएं, लेकिन किसी समस्या के चलते अगर उस डेट को वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिल पाती तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल कई लोग ये मान रहे हैं कि तय समय पर दूसरी डोज ना लगने पर वैक्सीन की पहली डोज बेकार हो जाएगी और उन्हें फिर से पहली डोज से शुरुआत करना पड़ेगा। इस पर अभी कोई शोध भी नहीं हुआ है कि खुराक लेने में देरी होने से वैक्सीन का असर कम हो जाएगा। हालांकि कोशिश करें कि निर्धारित डेट के नजदीक ही किसी दूसरी तारीख को चुनें। इससे आपको संक्रमण की संभावना कम रहेगी। यदि आप टीके की पहली खुराक लेने के बाद कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, तो आपको दूसरी खुराक के लिए 2 से 3 महीने तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संक्रमित होने के बाद आपके शरीर में फिर से एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। अगर वैक्सीन की कमी के चलते या फिर किसी दूसरी वजह से वैक्सीन की दूसरी डोज तय समय पर नहीं लग सकी या उससे 10 से 15 दिन ऊपर हो गए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है तब भी दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। पहली डोज हमारे मेमोरी सेल में मौजूद रहती है और दूसरी डोज लगने के बाद ही पूरी एंटीबॉडीज बनती है। कुछ समय की देरी से अगर सेकेंड डोज लगती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है।